भाई देखो भाई, हालात रोड के धीरे धीरे हम नीचे तो आ गए हैं। तीन किलोमीटर या 4 किलोमीटर तो हो ही गया होगा ना। धीरे धीरे पहुंच जाएंगे नीचे। और देखो धीरे धीरे कोहरा फिर से बढ़ने लगा है। और एडवेंचर, सुपर एडवेंचर रोड भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। गाड़ियाँ तो निकल जा रही हैं। हम दो व्हीलर वाले हैं। धीरे धीरे खींचते हैं फिर। कीचड़ कई कई जगह पे ना ज़्यादा है, कई कई जगह पे कम है, और विजिबिलिटी बिल्कुल पुअर हो गई है। निकल मेरे भाई, दो दो निकल रही है क्या? अरे चाहते क्या हो माय लॉर्ड। देख लो भाई, गाड़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं, और ऊपर जो गई हुई हैं वो तो नीचे आ ही रही हैं ना। तो जनता मेरे को लग रहा है दिन रात चल ही रहती होगी मंदिर की तरफ। छुट्टियाँ छड़ियाँ भी हैं ना, दो तीन ही है। चेक पोस्ट नहीं आई ना अभी तक। चेक पोस्ट आ जाती तो फिर 2-3 किलोमीटर बचता ना। चेक पोस्ट से कितने किलोमीटर था? 6 किलोमीटर था ना। हाँ तो अभी 7-8 किलोमीटर तो टोटल था ये। धीरे धीरे रिम ना, धीरे सब कुछ होए। तो आई थिंक चेक पोस्ट आ गई है। नहीं अभी भी नहीं आई है चेक पोस्ट। कैसे पता चला आपको? तो हम 4 किलोमीटर आ गए ना, 4 किलोमीटर और बचा हमें। और यहाँ कैंपिंग के लिए टेंट भी लगा रखे हैं जनता ने। ये देखो भाई, जन्नत है जन्नत। और हम वापस नीचे पहुंच गए, और हम इधर कहीं मार्केट में रुकेंगे, चाय पानी पियेंगे आराम से, घर घर पे फ़ोन कर लेंगे। सुबह से फ़ोन नहीं किया है, वो परेशान हो चुके होंगे। और उसके बाद तय करेंगे कि आगे करना क्या है, रात को कहाँ रुकना है ना। तो वो आगे तय करेंगे जाके। ओके, छोटे छोटे नाले बहने लगे बारिश होते ही। गाइज हमने चाय पी ली, और चाय हमने पी है इन अंकल जी की दुकान पे। अंकल जी का नाम राम कुमार है, और ये जगह का नाम है मैं भूल रहा हूँ वापस, कटारू में है इनकी दुकान। तो यहाँ से जो भी गुजरते हैं एक बार अंकल के हाथ की चाय जरूर पीना। चाय बहुत अच्छी थी। खाना खुना भी? अच्छा, डिनर लंच? ओके, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब प्रोवाइड करते हैं आप। अभी जा रहे हैं हम झंझेली की तरफ, देखते हैं झंझेली में अगर रुकने की व्यवस्था होती है तो वहीं रुकने का प्लान है। देखते हैं फिर कल निकलेंगे वहां से, कहां निकलेंगे प्लान करेंगे। 5 तो बज गए,
और आगे भी जाएंगे तो 2 घंटे में जो लगेंगे, 2 घंटे और लगेंगे हमारे मंडी तक, और मुश्किल हो जाएगा फिर। तो हम अभी रुकने की व्यवस्था टाइम से कर लेते हैं और वही सही रहेगा। रात को ट्रैवल करना और ऊपर से रेन, ऊपर से रास्ता आगे भी सेफ तो बोल सकते हैं, सेफ का वैसे नहीं है कुछ, बट वो कच्चा है और ऊपर से बारिश हुई है तो उसमें फंसने का अंधेरे में मैं रिस्क नहीं लूँगा। और ये देखो ब्यूटीफुल खेत, एप्पल के पेड़, गोभी की फसल हो रखी है, और ये देखो कितने अच्छे नेट लगा रखे हैं, सुंदर लग रहे हैं। वैसे नेट तो उन्होंने किसी पर्पस के लिए लगा रखे हैं पर देखने में सुंदर लग रहे हैं। और मेरा प्लान तो यहीं कहीं रुकने का है, देखते हैं। बड़ा ही देखो सुंदर प्लेस है और मज़े आ रहे हैं भाई बाइक चलाने के इधर, और जनता इवनिंग वॉक पे निकली हुई है सारी। हडिम्बा होम स्टे, यहाँ पे हमने रूम मिल गया हमें, और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। एप्पल के यहाँ गार्डन है, थोड़ा घूम के आते हैं। दूर से देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, मैंने सोचा आपको पास में से दिखा देता हूँ। पहले तो आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, नज़ारा ये देखो, खूबसूरती के नज़ारे हैं। इतनी बारिश होने के बाद एट लास्ट अभी धूप निकली है। ये देखो भाई, ये है इनके एप्पल के गार्डन। ये नेट जो है ना लगा रखे हैं इन्होंने एप्पल के पेड़ पे, और बड़े सुंदर लग रहे हैं। जो ओले गिरते हैं तो उनका फूल होता है झड़ जाता है उनसे, तो उनसे बचाने के लिए इन्होंने नेट लगा रखे हैं पेड़ों के ऊपर। यहाँ लगी हुई हैं मटर की फलियाँ बहुत सारी इन पौधों पे। और लोगों ने अपने पॉली हाउस बहुत लगा रखे हैं इधर। चलो नीचे चलते हैं अभी रूम में, डिनर के लिए तो बोली दी हमने आंटी को, शाम 8 बजे तक वो रेडी कर देंगे, डिनर डुनर करेंगे, रेस्ट करेंगे। वैसे थक बहुत ज़्यादा गए हैं आज, सुबह 4:30 से चले हुए हैं भाई, शाम के 5 बजे तक चले रहे। सेकंड फ्लोर पे भी बना रहे हैं, देखो भाई कितने सुंदर रूम बना रखे हैं। अभी तो थर्ड फ्लोर है ना, और बड़े सुंदर बना रखे हैं, ये लकड़ी का काम बड़ा सुंदर कर रखा है। अभी इस पर पॉलिश होगा, पॉलिश होगा इनके ऊपर भी कि ऐसे रखें? नहीं, पॉलिश होगा। बड़ा सुंदर बनाया है। हाँ जी, रियाज से विंडो से नज़ारे खेतों के और सामने घाटी के सब दिखेंगे आपको। चलो बड़ा सुंदर है, दिल खुश हो गया देख के। ये भाई ये रेडी हो जाएगी प्रॉपर्टी आंटी जी की, हडिम्बा होम स्टे है यहाँ पे जंजेली में। तो जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप कभी इस टाइम शिकारी देवी साइड घूमने आते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आके। हमारे रेन गेट ना गिल्ले हो गए थे, टावल डुबल तो चलो छोड़ो, और ये रेन गेट तो थोड़ी हवा लग जाएगी ना तो फिर ठीक रहेगा। हाल धूप आई थी ना। चलो लाइट आई है क्या, पूछना आंटी से लाइट आई है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, कल रात को हम ऊपर से आए और बहुत ज़्यादा थक गए थे, और हमने खाना खुना खाया और उसके बाद हम सो गए। अपनी चाय आ गई है, चाय पीऊँगा उसके बाद जाऊँगा बाइक की चेन लूप करने के लिए। बाइक की चेन से ना फिर से वो वैसे साउंड आने लगी, आई थिंक वो ड्राई हो गई वापस। सो गाइस हो चुके हैं हम रेडी और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सो भाई हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म परांठे दही। अभी रास्ते में जाते जाते एक पार्क है, मनरेगा पार्क बोल रहे हैं उसको, पता नहीं क्या, जब वो पार्क है वो घूमेंगे, और साथ में बीच में से कहीं देवीधड़ के लिए रास्ता है, देखते हैं कितना पड़ता है वो, उस हिसाब से पहले फिर नहीं तो फिर देवीधड़ जाके आएंगे फिर मंडी वापस चले जाएंगे। पर वो थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, 50-60 किलोमीटर होगा या कितना होगा वो देखना पड़ेगा।
ब्रेकफास्ट तो हो गया और ये देखो आंटी लेके जा रहे हैं घास पीठ पे उठा के, ऐसे लेके जाते हैं उठा के पहाड़ों में ना। सो हम कर रहे हैं भाई चेन लूप, अभी चेन लूप हो जाएगी ना फिर सारा दिन टेंशन वाला काम नहीं रहेगा ना। भाई हमारी हो गई चेन लूप, अभी अब लेके आते हैं सामान अपना, बिल कर दिया हमने पे होटल का और अब जा रहे हैं वापिस मंडी की तरफ। देवधर नहीं जा रहे हैं, देवधर यहाँ से है 85 किलोमीटर और 85 किलोमीटर जाओगे और आओगे देन आपके लिए बहुत पड़ जाएगा, लेट हो जाएंगे हम, समय का अभाव है। तो हम सीधा निकलेंगे मंडी की तरफ, मंडी में बहुत सारी जगह हैं, मंदिर हैं वो भी देखेंगे चल के। फिर अभी जाते टाइम एक पार्क है रास्ते में वो देखेंगे और अपना सामान लेके आते हैं जल्दी से। चलो जी निकल चुके हैं हम यहाँ से और मंडी यहाँ से 68 किलोमीटर बता रहा है। भाई साहब ये देखो ये पूरे एप्पल के ट्री हैं जो मैंने बताए थे, कल भी बताए थे, ढक रखे हैं इन्होंने नेट से, बहुत बारीक नेट होता है, इधर तो सारे ढके हुए हैं। मनरेगा पार्क भराड़ी, हाँ तो कहाँ से रास्ता इधर से होगी क्या, आगे से यहाँ से होगा ऊपर। ओके चलो जी यहाँ से चलते हैं ऊपर, बोल रहे हैं देखने के लिए अच्छा है, नई जगह देख के आते हैं भाई। जंगलों के बीच के रास्ते एक नंबर हैं और हम पहुँच गए शायद, आगे कुछ दिखा तो है। ये है मनरेगा पार्क, यहाँ पे लगता है 10 रुपए का टिकट एक बंदे का, मनरेगा पार्क है। आया क्या अंदर ये देख के पता चलेगा, जा रहे हैं अंदर। तो गाइस ये था मनरेगा पार्क जो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया, और मनरेगा पार्क के अंदर बच्चों के खेलने के लिए भी है, बोटिंग के लिए ये है, बोटिंग साइड भी है, तालाब टाइप का है, 4-5 फीट गहरा है कुछ, उसमें बोटिंग होती होगी पहले, अभी नहीं होती, अभी बोट्स हैं उनमें तो पानी भरा पड़ा है, वो वैसे ही है। माता बगलामुखी जी के 2 मंदिर हैं, एक प्राचीन मंदिर है एक नया मंदिर है, तो ये है और बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है मेरे हिसाब से, अगर कोई आना चाहे तो पक्का जरूर आएँ पिकनिक के लिए फैमिली के साथ में। सो गाइस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, अगर आप सभी मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, राइड सेफ, स्टे सेफ़।